Hello students, today I am going to start chapter number system of class 9. So first of all we must know about the numbers, like types of numbers, how many types of numbers, like natural numbers, whole numbers and integers. So first of all I am going to explain what are natural numbers. So all counting numbers are called natural numbers. Itne bhi number जिन नंबर्स का यूज हम लोग काउंटिंग करने में करते हैं दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी. ओके, तो अब यहां से क्वेश्चन ये पुट अप हुआ कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. सो अवर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. सो लार्जेस्ट नंबर नेचुरल नंबर इज इन्फिनिटी. And they are denoted by capital M. इनको हम कैसे denote करते हैं? Capital N से. Our next is whole numbers. All natural numbers along with zero. अगर इन्हीं सारे numbers में हम zero भी साथ में add कर दें, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे? Whole numbers. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. कहाँ तक? Infinite. ऐसे यहां भी क्वेश्चन पुट होगा क्या कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सो अवर स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट होल नंबर, दैट इज इनफाइनाइट. एंड दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल W. और नेक्स्ट टाइप इज इंटीजर्स. सो ऑल होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. कि जितने सारे होल नंबर्स होते हैं इनमें साथ में अगर इनके हम नेगेटिव भी लें, लाइक +-1, +-2, +-3, फॉर एग्जांपल -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो यहां भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा इंटीजर में? माइनस का इन्फिनिटी. और सबसे बड़ा क्या होगा? प्लस का इन्फिनिटी. एंड they are denoted by z. इनको हम किससे denote करते हैं? z से. Our next type is rational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? The numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. That is must thing. कि नंबर क्या हो वो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए. इट मींस डिनोमिनेटर विल नेवर बी जीरो. दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. इनको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं. एंड दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q. फॉर एग्जांपल 0, 1 अपॉन 2, -7 अपॉन 3, 2 अपॉन -5 एंड सो ऑन. इट मींस कहने का मतलब यह है कि जो जीरो है, कुछ बच्चे कहते हैं जीरो क्यों हो गया सर? बिकॉज इट कैन बी रिटन 0 अपॉन 1, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. सो इट इज अ रेशनल नंबर. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज इरेशनल नंबर्स. द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. वो नंबर्स जो रेशनल नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स. एग्जांपल √2, 5/0, √3 एंड सो ऑन. स्पेशली जिनके ऊपर ये रूट का साइन लगा होता है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट. अभी आगे आप इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे. दूसरी चीज, किसी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. ये जीरो आ गया तो दैट इज इरेशनल नंबर. You can see by this diagram, we can understand easily कि जो natural numbers हमारे होते हैं वो हमारे rational numbers भी होते हैं. Okay? जो हमारे whole numbers होते हैं वो भी क्या है? Rational numbers हैं. जो हमारे integers हैं वो भी क्या है? Rational numbers हैं. ये सारे किसके अंदर आते हैं? Rational number के अंतर्गत. देखते हैं, जैसे n, that is natural numbers, for example 1, 2, 3, this is also a rational number. For whole number 0, 1, 2, they are also rational numbers.
z integers minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, 0, they are also in rational numbers. So, हम कह सकते हैं कि ये सब क्या होते हैं? Rational numbers. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि all natural numbers are also rational numbers, all whole numbers are also rational numbers and all integers are also rational numbers. So, एक क्वेश्चन आता है इसी बेस पे, find 6 rational numbers between 3 and 4. यहाँ पे कोई भी नंबर दिए होंगे, यहाँ पे तो इजी है, पहला क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ 3 and 4. इसके आगे हम अलग अलग एग्जांपल लेके समझाएंगे अभी. तो फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. बच्चों पहला जो काम है यहाँ पर हमें चेक करना है क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है. यस, हियर द डिनोमिनेटर ऑन 3 एंड 4 बोथ आर सेम, दैट इज 1. ओके, सो टू गेट सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 द डिनोमिनेटर मस्ट बी 6 प्लस 1. ये क्या चीज है? 6 प्लस 1 का मीन्स है वी हैव टू फाइंड 6. सो इससे एक ज्यादा, 6 प्लस 1 दैट इज 7. क्या करेंगे? तो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? 7. तो ये लिखा था हमारा 3 अपॉन 1. तो क्या 3 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7. न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई. देन वी विल गेट 21 अपॉन 7 एंड सेम 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 1. दैट इज 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 28 अपॉन 7. So, the 6 rational numbers must be obtained by changing the numerator 22 to 27. यहाँ पे क्या था? 21 upon 7. यहाँ पे क्या है? 28 upon 7. तो numerator क्या होना चाहिए? वो 22 upon 7 और उधर 27. इनके बीच में नंबर आएंगे. So, 6 rational numbers are 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. So, next example, find 5 rational numbers between 1 upon 5 and 1 upon 2. Here, the denominator is different. So, first, we have to change the denominator by taking LCM of 5 and 2, that is 10. So, to get 5 rational numbers between 1 upon 5 and 1 upon 2, the denominator must be same. So, LCM of 5 and 2, that is 10. Now, we can write 1 upon 5 equals to 1 upon 5 into 2 upon 2. 2 से multiply और divide करेंगे, तो इधर का 2 upon 10 and 1 upon 2 equals to 1 upon 2 into 5 upon 5, that is 5 upon 10. We can see here, the denominator of both are same, that is 10. अब हमारा पहले वाला procedure पूरा, क्या? Now, denominator must be multiplied by 5 plus 1. कितने चाहिए थे यहाँ पे हमको? 5. So, 5 plus 1 equals to 6. अब यहाँ पे 2 upon 10 की 6 से multiply, 6 से divide. ऐसे ही 5 upon 10 की 6 से multiply, 6 से divide. We get 12 upon 60 and 30 upon 60. Now, 5 rational numbers between 1 upon 5 and 1 upon 2 are. बच्चों यहाँ पे बहुत सारे numbers आएंगे. जरूरी नहीं है कि हमको 5 चाहिए तो 5 ही आए. यहाँ पे कई सारे numbers आएंगे. तो हम यहाँ पे कोई भी 5 numbers दे सकते हैं. क्या होना चाहिए शर्त? कि 12 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए. सो वी कैन राइट 13 अपॉन 60, 14 अपॉन 60, 15 अपॉन 60, 16 अपॉन 60 एंड 17 अपॉन 60.